देखिए, राहुल गांधी जी इंटरनेशनल लेवल पर सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाना चाहते हैं, क्योंकि वह मजहबी सोच के व्यक्ति हैं और उनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है। सनातन संस्कृति से, सनातन आस्था से, हिंदू देवी देवताओं से, जिनका वो निरंतर अपमान करते रहते हैं। मैं मानता हूँ कि एक देखिए राहुल गांधी जी इंटरनेशनल लेवल पर सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाना चाहते हैं, क्योंकि वह मजहबी सोच के व्यक्ति हैं और उनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है। सनातन संस्कृति से, सनातन आस्था से, हिंदू देवी देवताओं से, जिनका वो निरंतर अपमान करते रहते हैं। मैं मानता हूँ कि एक राजनीतिक व्यक्ति जो राजनीति में भी फेल है, उसे सनातन पर ज्ञान देने की आवश्यकता क्या है? वह भी तब जब वो विदेशों में जाते हैं। अगर देवी देवता भगवान नहीं होते हैं तो पैगंबर मोहम्मद क्या अल्लाह होते हैं? उनके आप अनुयायी हैं, आप उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी करते नहीं हैं, तो फिर हमारे सनातन आस्था पर चोट आप क्यों पहुंचाते हैं? और आपको यह अधिकार किसने दिया है कि आप सनातन पर वक्तव्य दें? सनातन पर आध्यात्मिक ज्ञान देना ही आप आध्यात्मिक वक्ता हैं और ना ही आप ठीक से राजनीतिक वक्ता हैं। उसके बाद भी आप ज्ञान का प्रचार प्रसार करते घूम रहे हो। आप निजी तौर पर निजी प्रचार प्रसार करिए। इस प्रकार से सनातन पर अपशब्द बोलना यह ठीक बात नहीं है। सनातन पर पूरी तरीके से आप ज्ञान लीजिए, उसके बाद किसी गुरु किसी के क्वासिस से बनिए, किसी को गुरु बनाइए, उस परंपरा से पहले जुड़िए। आप उस परंपरा के हैं नहीं, आपके पास आपको सनातन के बारे में जानकारी नहीं है, उसी पर आप ज्ञान देते हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका है और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। भारत देश में रहता है तो कभी सोमनाथ, तो कभी बाबा विश्वनाथ, तो कभी राम मंदिर को दर्शन करने की चेष्टा बतलाता है और साथ साथ विरोध भी करता है। अमेरिका में जाता है तो बोलता है हिंदू देवी देवता का कोई मतलब नहीं है, ये कोई भगवान थोड़ी होते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को भारतवर्ष में रहने का अधिकार ही नहीं है। कभी राम मंदिर के विरोध में, कभी बाबा विश्वनाथ के विरोध में, कभी महाकाल के विरोध में, और कभी जब वोट की राजनीति करनी होती, वोट लेना होता है, तो मंदिर में जाकर के जनेऊ पहन करके पूजा करने लग जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को भारत देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। जो भारत में रह करके भारत का विरोध करे, भारत देश की अस्मिता को जा करके दूसरे देश में बर्बाद करने की चेष्टा करे, ऐसे व्यक्ति को भारत देश में रहना ही नहीं चाहिए। इटली का मूल निवासी है, इटली इसका खानदान है, इटली में जाकर के इसे रहना चाहिए। अगर इस तरह से भारत के विरोध में बोलना है तो इसे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। राहुल गांधी को पता नहीं है सनातन धर्म के विषय में, देवी देवताओं के विषय में, इसलिए राहुल गांधी को मैं सलाह दूंगा कि अगर उनको सनातन धर्म के विषय में कोई भी बयान देना है तो पहले ग्रंथों का अध्ययन करें, पहले गुरुओं के चरणों में बैठ करके सनातन की परंपरा को समझें। इस तरह के जो बयान वो दे रहे हैं, यह निश्चित रूप से बहुसंख्यक समाज को आघात पहुँचाने वाला बयान है। तो ऐसी राजनीति न करें, यह है उनकी ओछी और मूर्खतापूर्ण राजनीति है। राहुल गांधी के तमाम ऐसे बयान आते हैं जो हिंदुओं के विरोध में होते हैं, ये मुस्लिम तुष्टीकरण से प्रेरित हैं। इसलिए मैं यही सुझाव दूंगा कि आनिंदा कभी भी सनातन धर्म के विषय में, देवी देवताओं के विषय में बोलने के लिए पहले धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, अन्यथा अपना राजनीतिक बयान दें, धर्म पर कोई बयान न दें। और अगर वो इस तरह के जो है देवी देवताओं के विषय में अगर अनाप शनाप बोलेंगे, अगर अनर्गल बयान देंगे, तो फिर उसका अंजाम भी जो है तो ऐसा होगा कि फिर वो भारत में उनको रुकने की जगह नहीं, बहुत जल्दी उनको इटली जाना होगा। अच्छा होगा कि थोड़ा अपनी आदत में सुधार कर लें।